हरि ओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, ये हमारा भिन्न या फ्रैक्शन से रिलेटिव चौथा वीडियो है। इसके पहले नहीं सॉरी पांचवा वीडियो है। इसके पहले हम चार वीडियो इसके भिन्न के अपलोड कर चुके हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं शांत और अशांत दशमलव भिन्न के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे 60 ट्रिक से कि कौन सी भिन्न शांत दशमलव है और कौन सी भिन्न अशांत दशमलव है। स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी यदि कर रहे हैं और यदि उसमें मैथ्स पूछा जाना है तो निश्चित रूप से यहां से प्रश्न आना ही होते हैं। स्टूडेंट्स, यदि इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आप आसानी से ये शांत और अशांत दशमलव भिन्न वाले सभी प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि कोई भी भिन्न पर्टिकुलर वो दे देते हैं। मान के चलो उनने आपको कोई भी भिन्न दे दी, मान के चलो उनने कह दिया 20/3, एक भिन्न उन्होंने लिख दी 20/3। अब स्टूडेंट्स, इसमें ये देखना होता है कि ये जो भिन्न 20/3 है ये शांत भिन्न है या फिर अशांत भिन्न है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए जनरली अपन क्या करते हैं कि 3 से 20 में भाग लगाते हैं और जो भी हमें मिलता है उससे हम पता लगा लेते। अभी हम जैसे मान के चलो हम बताएं, अब हम 3 से 20 में कर रहे होंगे भाग, तो तीछों कितना रहा होगा 18, बचे होंगे 2, यहां दशमलव लगा के हम यहां एक शून्य बढ़ा देते तो फिर यहां आएगा तीछों फिर कितना 18, और फिर यहां 2 बचे होंगे फिर शून्य लगाएंगे तो फिर तीछों 18। मतलब इसी प्रकार से ये 6 6 6 6 6 अप टू डेस डेस अनंत बार आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इनको हम लिखते हैं 6.6 का आवर्त। मतलब जो संख्या बार बार आ रही होती है, जैसे 6 ये अनंत बार आ रहा है तो इसके लिए हम आवर्त का चिन्ह लगा देते हैं और इसको बार पढ़ते हैं 6.6 का बार, ऐसा इसको हम पढ़ते हैं, या 6.6 का आवर्त। मतलब ये आवर्ती भिन्न है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको भाग नहीं करना है और डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हो कि वो शांत है या फिर अशांत है। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सी थी? ये तो अशांत थी क्योंकि ये आवर्ती है, मतलब अशांत है, ये कहीं शांत नहीं हो रही, 6 6 6 लगातार आते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी प्रकार के प्रश्नों को आज हम आपको बताने वाले हैं। यहां हमने पहले आप देख लें दशमलव संख्या के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट्स, दशमलव संख्या होती है 2 प्रकार की। एक प्रकार तो होता है शांत दशमलव संख्या, जिसको हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव संख्या। जो ये शांत दशमलव संख्या होती है ये अंत हो जाने वाली होती है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें अंत हो जाता है। जैसे किसी भिन्न में, जैसे हम मान के चलो यहां कोई भी भिन्न लिखे हम, जैसे हम लिखे 1/2, तो जब 2 से आप 1 में भाग करोगे तो ये आएगा 0.5। मतलब ये 0.5 माने 1/2 भिन्न कैसी हो गई, ये शांत हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, अंत हो गई। लेकिन यदि 5 5 5 रेगुलर आ रहे होते जैसे यहां आए थे इस क्वेश्चन में, तो ये किस प्रकार की कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अशांत दशमलव संख्या। मतलब इनको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंत ना होने वाली संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम एक चीज और आपको समझ लेना है, जो ये अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं अंत ना होने वाली, इनके खुद 2 प्रकार के होती हैं। एक तो होती है शुद्ध अशांत आवर्त संख्या और दूसरी होती है मिश्रित अशांत आवर्त संख्या। शुद्ध अशांत आवर्त संख्याएं स्टूडेंट्स क्या कहलाती हैं? जैसे हमने ये आपको अभी एग्जाम्पल दिया था 20/3, या मान के चलो हम ले लें 10/3, या लिखा है 2/3, या यहां हम 20/3 ही कर दें। तो जैसे 10/3 स्टूडेंट्स यहां पर लिखा है, तो जब हम 3 से भाग कर रहे होंगे 10 में, तो हम कहेंगे 3 3 9, कितना बचा? 1 शेष बचा। यहां दशमलव लगाएंगे तो उस दशमलव का यहां शून्य आ जाएगा। अब फिर हम 3 का दुनिया पढ़ाएंगे 10 से ज्यादा ना हो, तो 3 3 9, फिर यहां 1 बचा, फिर 1 शून्य, हम इस प्रकार से बढ़ाते जाते, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा 10 में से 9, फिर 3 3 9 10 में, और इस प्रकार से ये 3 3 3 अनंत बार आते जाएंगे। तो हम इसको कहेंगे स्टूडेंट्स क्या? 3.3 का आवर्त। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाती हैं शुद्ध अशांत आवर्त संख्याएं। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां तो 3 3 3 कई बार आ रहे थे, लेकिन जो मिश्रित अशांत आवर्त संख्याएं कहलाती हैं उनमें क्या होता है कि उनमें पर्टिकुलर एक संख्या बार बार आती है, लेकिन उसके पहले कोई संख्या ऐसी आती है जो
अवर्त जिस पर हम नहीं लगा सकते। जैसे यहां 0.16 पे अवर्त लगा है, फिर 0.1 और यहां केवल 2-4 पे अवर्त लगा है, 2.738, मतलब यदि आपको यहां भिन्न इस प्रकार से आ जाए कि मिश्रित अशांत आवर्त संख्या को पहचानिए या कौन सी भिन्न मिश्रित अशांत आवर्त होगी, तो आप भाग करके देख लेना। ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या से हम भाग करते हैं, और यदि ऐसी कंडीशन बनती है कि एक आध कोई अंक पे या दो अंक पे आवर्त लगता नहीं है और उसके बाद में लगातार आवर्त लगते जाते, मतलब यहां जैसे हम कर रहे होंगे तो 2.7 आ जाएंगे, ऊपर 3.8 3.8 3.8 ऐसे अनंत बार आ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की संख्याओं को हम मिश्रित अशांत आवर्त संख्या कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स, क्या होता है, ज्यादातर हमें इस प्रकार के मिश्रित अशांत वाले क्वेश्चन तो नहीं आते। यहां से जो प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, केवल हमें शांत और अशांत भिन्न देखने के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने कई एग्जाम में पेपर्स में हमने ऐसा देखा है, तो हम उसी को सीख लेते हैं कि कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो स्टूडेंट्स, शांत और अशांत देखने में हमें केवल एक नियम को याद कर लेना है, और वो नियम बड़ा आसान है। इसमें हमें क्या करना होता है, यहां हमने नियम लिखा है, यदि हर में हर के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। जरा ध्यान से सुनना, जो भी संख्या लिखी होती है, यहां हमने देखो बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं, उनमें हर के हर क्या कहलाता है, जैसे हम कहें कि कोई संख्या लिखी है, जैसे लिखा है यहां लिखा है 20/5, तो हर क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, नीचे की संख्या जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है हर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाती है, नीचे की संख्या, इसको कहते हैं हम हर। तो हम क्या करते हैं कि यदि अभाज्य संख्याएं पहले ही से लिखी हैं, जैसे 5 केवल लिखे या 2 लिखे या 3 लिखे या 11 या 13, ठीक है स्टूडेंट्स, या 17 या 19, अभाज्य संख्या यदि पहले से लिखी हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, हम गुणनखंड नहीं तोड़ते हैं। लेकिन यदि उनके अभाज्य गुणनखंड टूट सकते हैं हरों के, तो सबसे पहले हम उनके अभाज्य गुणनखंडों को तोड़ लेते हैं, फिर हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि दी गई संख्या शांत है या अशांत है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी का रूल्स हमने यहां पर एक नियम लिखा हुआ है, क्या करना है हम पढ़ के सुनाए देते हैं, हमने पहले से लिख रखा है। हम ये देखते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद में कि यदि हर में केवल 2 हो या 2 का गुणज हो, मतलब आप समझ रहे, 2 का गुणज मतलब 2 × 2 = 4 6 8 10 12, 2 का दुनिया अपवर्त 2 का मल्टीपल, ठीक है। तो हर में केवल 2 हो या 2 का गुणज हो, या फिर हम देखते हैं कि हर में केवल 5 हो या 5 का गुणज हो। 5 का गुणज मतलब स्टूडेंट्स वही 5×5=25, ठीक है, 5 × 5 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20 5×5=25, ये सब 5 × 10 = 15 20 25 30 35 45, ये अप टू डैश डैश, मतलब अपवर्तियों की संख्या अनंत होती है, आपको पता है। तो यदि हर में केवल 2 हो या 2 का गुणज हो, या हर में केवल 5 या 5 का गुणज हो, या हम कहें 2 और 5 दोनों के गुणज हो स्टूडेंट्स, तो जो दी गई संख्या होती है उसका अंश भले ही कितना हो, ऐसी संख्या हमेशा कैसी होती है, शांत होती है, वही हमने यहां लिखा है। लेकिन जरा इसके बाद से आप सुनना, शायद आप समझ गए होंगे, साठ में एक बार और हम आपको बता देते हैं। हर में या तो केवल 2 लिखा हो या 2 के गुणज लिखे हो अपवर्त, या केवल 5 लिखा हो या 5 के गुणज या अपवर्त लिखे हो, या 2 और 5 दोनों के अपवर्त या गुणज लिखे हो, ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा हमें कुछ नहीं देखना चाहिए, सीधी सी बात। हर में तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं, शांत होती हैं स्टूडेंट्स। लेकिन यदि हर में 2 या 5 या दोनों के गुणज के अलावा यदि अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पर कोई और संख्या आए, तो ऐसी दशमलव जो भिन्न होती है वो शांत नहीं होती, वो स्टूडेंट्स कैसी होती है, अशांत होती है। शायद आप समझ रहे होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये शांत भिन्न इस टाइप से आती है, जैसे 0.23 इस प्रकार की, ठीक है, ये शांत कहलाती है। ये मतलब कोई भी संख्या को हमने भिन्न को बदला होगा तो 0.23 मिला, 7.1 मिला, 4.256 ऐसे मिले, मतलब ये सब शांत के एग्जाम्पल है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, जैसे यहां हमने एग्जाम्पल में लिखे हैं, उदाहरण में इस प्रकार के एग्जाम्पल लिखे आते हैं। एग्जामिनर पूछता है कि निम्न में से कौन सी संख्या शांत दशमलव संख्या है, या कहते हैं कि निम्न में से कौन सी अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है, या कौन सी शांत नहीं है या अशांत नहीं है, इस टाइप से आप समझ रहे होंगे प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहां हम स्टूडेंट्स, यहां कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये सभी के सभी हम देखते हैं कि ये शांत दशमलव के हैं या अशांत दशमलव के हैं, इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमें देखते जाना है। और इस नियम की सहायता से स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इस नियम की सहायता से हम बिना भाग किए ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी दशमलव संख्या शांत है और कौन सी दशमलव संख्या अशांत है, ये पता लगा सकते हैं हम बिना भाग किए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है,
तो यहां लिखा है 3/2। अब ऊपर की संख्या हमें नहीं देखना है, ये हमारा नियम कहता है ऊपर की संख्या नहीं देखना, हमें केवल नीचे की संख्या हर देखना है। तो हर में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है हर में, 2 लिखा है। यदि हर में 2 है इसका मतलब ये शांत है, ठीक है। फिर यहां दूसरा लिखा है 8/5, केवल 5 लिखा है तो ये भी शांत है। यहां क्या लिखा है स्टूडेंट, 7/4। अब 7/4 को हम कैसा लिख सकते हैं, 7/4 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होते हैं हमेशा, 2 × 2 लिख सकते हैं हम 4 को, तो ये केवल 2 दिख रहा है हमें, 2 बार 2 दिख रहा है। या हमने ये कहा था कि 2 का गुणज हो तो 4 तो 2 के गुणज है, तो स्टूडेंट्स ये तीसरा भी कैसा है, ये भी शांत है। चौथा हम देख लेते हैं, यहां लिखा है 10/25, ये 25 5 का गुणज है, क्योंकि 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये चौथा ये भी शांत है। फिर स्टूडेंट्स कई बार इस फॉर्मेट में भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, ये अगला क्वेश्चन जो लिखा है 9वां क्रमांक का, यहां लिखा है 15/2/4। तो स्टूडेंट्स यदि 2/4 है इसका मतलब ये 2 के गुणज ही तो मिल रहा है, 2 × 2 × 2, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो केवल हमें 2 दिख रहा हर में, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, शांत होगा। इसी प्रकार से यहां लिखा है 18/5 पे कितने की घात, 3 की घात, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, 18/5 × 5 × 5 3 बार, तो केवल हमें 5 दिख रहा, तो ये भी स्टूडेंट्स कैसी है, शांत है। फिर यहां लिखा है कितना, 13/ लिखा है 3125। अब हम 3125 को कैसे लिखेंगे, 3125 को हम लिख रहे होंगे 5, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा पता लगा लो कि 3125 5 के अपवर्त है क्या, 5 की दुनिया में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। खैर हम बता रहे हैं 3125 के जब आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे, इनके स्टूडेंट्स आप अभाज्य गुणनखंड तोड़ लिया करें और उसमें देखा करें कि केवल या तो 2 मिल रहे हो, या केवल 5 मिल रहे हो, या 2 और 5 दोनों मिल रहे हो, चाहे कई बार मिल जाए। यदि 2 और 5 के अलावा कोई चीज हमें मिलती है तो वो अशांत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने पर 2 और 5 के अलावा कुछ भी मिले तो ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती भिन्न कहलाती है, ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है। तो यहां 3125 को हम क्या लिख रहे होंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 125 = 125, 5 × 6 = 25 और 5 × 3 = 25। तो देखो 3125 के जब हमने अभाज्य गुणनखंड तोड़े तो केवल हर में 5 5 5 मिल रहा है, मतलब ये भी कैसी स्टूडेंट्स, ये भी शांत है। अगला 6वां क्वेश्चन लिखा है 35/50, तो 35/50 50 को आप क्या लिखोगे, जैसे यहां हम आपको हम करके बता दे रहे हैं, जैसे कहीं लिखा है मान के चलो, वहां लिखा है 35/50, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलो लिखा है 35/50, तो जब हम 50 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 50, तो हमें क्या मिल रहा, केवल 2 और 5 ही मिल रहा है, इसका मतलब 35/50 ये भी कैसी होगी स्टूडेंट्स, ये भी शांत दशमलव का उदाहरण है। फिर यहां लिखा है स्टूडेंट 7वां नंबर पे हमने लिखा है 13/2 × 5 का वर्ग, ठीक है, तो यहां केवल 2 और 5 ही दिख रहा है हमें हर में, मतलब ये भी शांत है 7वां। 8वां में हमने क्या लिखा है, 15/2 × 10^5 × 20^5, मतलब 2 × 2 × 10 बार और 5 × 5 × इस टाइप से 20 बार, तो केवल 2 और 5 की ही हमें गुणज मिल रहे हैं हर में, इसका मतलब ये भी कैसी है, 8वां क्वेश्चन ये सब। तो स्टूडेंट्स ये सभी के सभी शांत दशमलव भिन्न के एग्जाम्पल थे, और इसी प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको आते हैं कि ये शांत है या अशांत है। दोस्तों यदि यहां तक आप पहुंच गए हो, हमारा वीडियो देखा है, तो प्लीज इसे लाइक कर दें। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अशांत दशमलव भिन्न के एग्जाम्पल कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं कि कैसे बिना भाग दिए हम पता कर सकते हैं कि ये शांत है या अशांत है। अब स्टूडेंट्स देखो, जैसे यहां पहला क्वेश्चन लिखा है 6/15, और हमें देखना है कि 6/15, एक तो तरीका ये है कि आप 6 में भाग लगाओ 15 से, पर इसमें टाइम आपका ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो यहां लिखा है 6/15, अब हम देखते हैं कि ये शांत है या अशांत है। स्टूडेंट्स जब आप इस 15 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ोगे तो आप 15 को लिखोगे 5 × 3, ठीक है, 5 × 3। तो देखो हमने क्या कहा था कि 5 या 2 के अलावा हर में कुछ नहीं दिखना चाहिए हर के गुणनखंड में, लेकिन यहां हमें 3 दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या दिख रही, 3 दिख रही, इसका मतलब ये जो होगा ये क्वेश्चन, ये किस प्रकार की दशमलव भिन्न होगी स्टूडेंट्स, ये होगी कैसी, अशांत। समझ पा रहे होंगे आप, यहां 31/11 लिखा है, हमें भाग बिल्कुल नहीं देना, नीचे 2 और 5 के अलावा कितनी संख्या लिखी, 11 लिखी, और 11 तो हालांकि 2 और 5 के अलावा कुछ भी लिखा मिल जाए तो 31/11 भी अशांत होगी। फिर यहां 10/7 लिखा है, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या लिखी हर में, 7 लिखा है, इसका मतलब ये 10/7 भी कैसी होगी, अशांत होगी स्टूडेंट्स। यहां लिखा है 77/210, इसको हम कैसा लिख रहे होंगे, 77/210 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा
दस, पहले तो 21 गुणा 10 21 धाम 210 हो जाएंगे। इस प्रकार से इनको हम तोड़ लेते हैं आसानी से। फिर 21 को हम क्या लिख रहे होंगे, 7 3 21, और हम 10 को क्या लिख रहे होंगे, 5 दूनी 10। फिर हमने ऐसे तोड़ लिए। अब 5 और 2 तो मिल रहे, तब तो ठीक है, लेकिन यहां 5 और 2 के अलावा 7 और 3 और हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब 5 और 2 के अलावा हमें हर में कुछ नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब 77/210 भी कैसी होगी, अशांत होगी। स्टूडेंट्स यहां देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन है, 129/2 का वर्ग गुणा 3 गुणा 5। तो स्टूडेंट्स यहां 2 तो हमें मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा यहां पर 3 मिल रहा है। और यदि 3 मिल रहा है एक्स्ट्रा, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या मिल रही है, इसका मतलब ये कैसी भिन्न होगी, अशांत होगी। इसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन है, 15/2 का वर्ग गुणा 7 गुणा 6। तो यहां हम देख रहे हैं 6 को जब हम तोड़ रहे होंगे तो यहां भी हमें 3 गुणा 2 मिल जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होते हैं, 6 तो भाज्य संख्या है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि 7 एक्स्ट्रा मिल रहा है, 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है 2 के अलावा। मतलब ये भी चौथा भी कैसा होगा, ये भी अशांत होगा। अब हम देखते हैं 1802/2 गुणा 6। स्टूडेंट जब 2 गुणा 6 को आप तोड़ रहे होगे तो 2 तो यहां दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप 6 को तोड़ रहे होगे तो यहां 3 गुणा 2 मिलेंगे, और हर में ये 2 लिखे ही है। मतलब यहां 2 के अलावा हमें कितने मिल रहे हैं, 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब ये भी कैसी होगी, पांचवा भी अशांत ही होगा। छठवां देख लेते हैं, यहां 2 और 5 तो मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा यहां हर में कितने हैं, 3 है। मतलब ये भी कैसा होगा, छठवां क्वेश्चन भी हमारा कैसा होगा, अशांत भिन्न का उदाहरण होगा। यहां भी देखो सातवां में 7 और 11, 2 और 5 तो यहां देख ही नहीं रहे, तो ये सातवां भी स्टूडेंट्स कैसा होगा, ये अशांत होगा। यहां कितना लिखा है, 25,000/11, 13, 5, 5 जरूर दिख रहा है, लेकिन यहां 11 और 13 दिख रहा है कुल मिला के, तो ये भी कैसा होगा, अशांत होगा। मतलब हर में हमें, ध्यान से सुनो आप, चलो एक और देख लेते हैं, जैसे यहां लिखा 25/10 गुणा 50, इस फॉर्मेट में लिखा, तो हम इसको लिख रहे होंगे 25/24 लिख रहे होंगे, 10 को लिखेंगे हम कितना, स्टूडेंट्स एकदम यहां से नहीं देखा करें, इनके पहले अभाज्य गुणनखंड ही निकाल लिया करें। 10 को लिखेंगे, 2 × 5 = 10, ये टूट गए। 50 को कैसा लिख रहे होंगे हम, 2 × 5 = 10, 5 × 50, मतलब ये हो गए 10 और ये हो गए 25 × 2 = 50। तो देखो केवल हमें 2 और 5 ही मिल रहा है यहाँ स्टूडेंट्स। यदि केवल हमें हर में 2 और 5 ही मिल रहे हैं तो ऐसी भिन्न कैसी होती है, शांत होती है। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने लिखा था, इसे कोई भी हम नाम दे दे रहे, कोई भी क्रमांक दे दो, मान के चलो 8 यहाँ थे, 9वां क्वेश्चन जो हमने लिखा था, तो ये भिन्न कैसी थी, शांत थी। मतलब स्टूडेंट्स आप समझ गए, हमें केवल किसको देखना है, हमें देखना है हर में नीचे, हर में देखना है, या तो अभाज्य गुणनखंड टूटे हुए लिखे हैं तो हमें केवल 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। और हर में यदि 2 या 5 या इनके गुणज, या इनके गुणज अपवर्त, मतलब दुनिया, मतलब जैसे 2 का दुनिया का कोई अंक लिखा हो, ठीक है, या 5 की दुनिया का कोई अंक लिखा हो, तो हर में 2 या 5 या इनके गुणज के अतिरिक्त, कोई अन्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या यदि लिखी मिल जाए तो ऐसी संख्याएं कैसी होती हैं, अशांत होती हैं, ठीक है। और शांत क्या होंगी, केवल हर में 2 और 5 ही होना चाहिए, या इनके गुणज होना चाहिए। स्टूडेंट्स शायद आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हम इसी प्रकार के वीडियो आपको लाते रहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। हम अन्य वीडियो और भी आपको लाएंगे, आवर्ती भिन्नों को कैसे भिन्न के रूप में लिखते हैं, सतत लंगड़ी या वितत भिन्न, कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होती है, उसका वीडियो हम आपको जल्दी से लाने वाले हैं। स्टूडेंट्स यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज आप इनको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।